आज के वीडियो में हम जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने और उससे सत्यापन करने के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर जीवन प्रमाण सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए अगर आप देखें जीवन प्रमाण का आपकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस दे देना है। अगर आप ई मित्र के अंडर में कार्य कर रहे हैं तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर पहले से ही होगा। तो हम सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग से डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इससे आपके जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपको इसमें अटैच कर देना है और उस ओटीपी पर आपको वापस जो डाउनलोड लिंक है एप्लीकेशन का वो आपको मिल जाएगा। तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको इस टाइप की RAR में फाइल देखने को मिल जाएगी, तो इसे आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फाइल एक्सट्रैक्ट होगी उसमें आप देखें तो आपको एक सेटअप फाइल मिलेगी और दो आपको PDF देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन होंगे कि आपको क्या कार्य कैसे करना है, ड्राइवर कैसे सेटअप करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो इससे हमारे जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, उस पर हमें नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। तो हम विंडोज 10 यूज़ करें तो यहाँ पर हमें इससे परमिशन देनी होती है, तो यस करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप देखें जीवन प्रमाण इंस्टॉलर, तो इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। उसके बाद भी आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और किसी प्रकार कोई छेड़खानी सेटिंग में नहीं करनी है, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको भी इस टाइप के प्रोसेस से इसे इंस्टॉल कर लेना है और अंतिम में अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें डेस्कटॉप पर तो आपको आइकन देखने को मिल रहा होगा, तो इससे आप बाद में भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे PC में इंस्टॉल हो चुका है और इससे अब हम सत्यापन करना और फर्स्ट यूज़ में किस प्रकार सेटअप करना है वो सारा देखेंगे। तो कंप्लीट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में लगातार शेयर कर सकें। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फर्स्ट बार ओपन हो रहा है जिस कारण थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको जो ऑपरेटर है उसका ऑथेंटिकेशन करना है, तो हम सबसे पहले अपनी आधार आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद में ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेटर हैं उन्हें इसमें ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, तो हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और हमारे जो भी आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो हमें वो ओटीपी इसमें दर्ज करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको ईमेल पर भी ओटीपी मिल जाएगा, आप कोई भी एक ओटीपी इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो मोबाइल पर हमें ओटीपी प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑपरेटर का जो नेम है वो यहाँ पर हमें भर देना है और उसके बाद में जो बायोमेट्रिक है उस पर हमें अपने फिंगरप्रिंट लगाने और हमें अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेना है। इससे जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके बाद में आपको सिर्फ पेंशनर का ही ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन हो चुका है, ये हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हमें ये सारी प्रोसेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो बायोमेट्रिक में फेल्ड हो गया है, तो हम इसे वापस रिट्राई कर लेते हैं। तो हम वापस रिट्राई कर रहे हैं और हमारा जो फिंगर है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। तो इस बार अगर आप देखें तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, हमें ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपने आप ओपन हो जाएगा। उसमें अगर आप देखें तो अब जो डिटेल है वो आपको पेंशनर की भर देनी है। तो इसमें आप देखें तो ईमेल एड्रेस आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे खुली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखने हैं और उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देने हैं और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आधार नंबर लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे उसके बाद में आप देखें तो जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उससे जो आधार में नंबर लिंक होंगे या फिर आप देखें
जो पेंशन के लिए जो नंबर लिंक होंगे, पेंशनर का जो नंबर है उससे ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट कर लेगा और उसकी जो पूरी आईडी है वो हमारे पीसी में खुल जाएगी। तो हमें यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और जो ओटीपी है वो हम सेंड कर देते हैं। हमारा जो ओटीपी है वो हमें प्राप्त हो चुका है और हमें यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो हम जो ओटीपी हमें मोबाइल नंबर पर मिला है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद में आपका जो प्रोसेस होगा वो अगर आप देखें तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। तो जो ओटीपी नंबर है वो हमने दर्ज कर लिया है और इसके बाद में हमें ओके पर क्लिक कर लेना है। तो हम इसमें ओके पर क्लिक कर लेते हैं और हमारे सामने नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो पेंशनर की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से जो पेंशनर नंबर है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना और बाकी की जो जानकारी है वो अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी जो डिटेल है दूसरी वो आप देखें तो इसमें कंप्लीट आ जाएगी, आपको कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, रीमेरिट और री एम्प्लॉय का, अगर है तो यस करना, अन्यथा आपको इसे नो रहने देना है। और उसके बाद में ये दोनों जो बॉक्स है उन्हें आपको चेक कर लेना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर प्रोसीड कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको यस क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम यस क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखें नेक्स्ट में तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें अगर आप देखें तो सारी डिटेल का रिव्यू दिया जाएगा। तो आप ये जो डिटेल आपने की है उसे आप रिव्यू कर सकते हैं और इसके बाद में आपको बायोमेट्रिक स्कैन पर राइट करके बायोमेट्रिक स्कैन करवा लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर है उसकी आपको फिंगर रखवानी है और जो कैप्चर है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा तो आपके एक रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वो रिसिप्ट प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो ईयरली वेरिफिकेशन है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका ये काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी पसंद आई होगी, काफ़ी सिंपल जानकारी थी और आशा करूँगा कि मैंने इसे बताने में कोई गलती नहीं की होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट जो ई मित्र की न्यूज़ है या फिर आपको नए जो भी स्कीम्स आती है उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।